अभी हम पहुंच गए हैं लाली गांव में, जो कि MS धोनी जी का गांव है, पुस्तैनी गांव है। वो अल्मोड़ा से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। तो हम 3 बजे यहां पहुंचे हैं। अब है ऊपर को खड़ी चढ़ाई और लगभग 150 से 200 मीटर दूर और गांव में पहुंच के आप लोगों को मिलाते हैं और रास्ते का व्यू भी दिखाते चलेंगे आप लोगों को। तो साथियों, अभी हम आ गए हैं MS धोनी के गांव के रास्ते में। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उतरा से गुजर रहे हैं। तो हमें मिला महेंद्र सिंह धोनी के गांव का छोटा सा नाला, जो जहाँ से पानी भूमि से निकल रहा है बिल्कुल, और यही वो रास्ता है जो हमें गांव तक लेके जाएगा। दोनों साइड में बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियाँ, हमारे टीम को, हमारे क्रिकेट को पूरे विश्व में पहचान दिलाने वाले हमारे धोनी जी के गांव की ओर आज हम जा रहे हैं, उनके पुस्तैनी गांव की ओर, जो कि अल्मोड़ा से लगभग 60-70 किलोमीटर दूर लोहटी से थोड़ा आगे पड़ता है। पूछते पूछते हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, क्योंकि बीच बीच से अलग अलग सड़कें थी। तो पूछते पूछते थैंक गॉड जो भी है हम 3 बजे तक पहुँच गए। एक दो मकान दिखने लग गए, थैंक गॉड। अब लग रहा है कि हम गांव में पहुँच गए थे। आजकल यहाँ इतने काम धंधे के दिन हैं, अब लग रहा है कोई मिले ना मिले। तो धोनी जी के गांव का नाम है लवाली और यहाँ के ग्राम प्रधान जो है श्रीमती माधवी देवी हैं और ये लमगड़ा में पड़ता है अल्मोड़ा के। नमस्कार हो, लेके पढ़ूँ? हाँ अच्छा, ये साइड है जोन। धन्यवाद। डाली डाली तो लोगों से पूछते जा रही है धोनी जी के गांव तक, तुझको बुलाए रे मुसाफिर, लगभग 25-30 मवासी यहाँ पे रहते हैं। बादलों के उड़ के उड़ने वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। खाया नहीं खाया? चाय पानी की करे क्या? ना ना, चाय खाना हमने रास्ते में खाया अम्मा। खाना खाया? मत बोलना, बोल। नहीं 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 नहीं, खाया अम्मा हमने खाना। ठीक है ठीक है, ये बता ना। अभी अम्मा हमें दिखा रही हैं धोनी जी का घर और अम्मा पड़ोसी है उनके। धोनी जी हम एक ही है मतलब। अच्छा आप भी धोनी हुए? हाँ हाँ। अच्छा एक ही हुए? एक ही हुए हम। अच्छा आप उनके क्या हुए? मैं उसके भाभी, उनकी भाभी। भाभी हुए? अच्छा भाभी हूँ मैं। कभी आए हो घर धोनी? पहले आते थे, छोटे छोटे थे तब। अच्छा तब आते थे? अच्छा 12-13 वर्ष तक तो आते थे यहाँ। बर्तन भी घर ही हुआ? अच्छा बर्तन भी घर ही हुआ हमका। बता दे भोग लोगो ना, भोग इन्हें देखा, भोग लगा जो भरा रहो तो मेरा बच्चा आया ना छोटा वाला। अच्छा। देश का विदेश मतलब। अच्छा। उसको लगा देती हूँ। हाँ, जैसे पापा लोग आते हैं उनके यहाँ? हाँ, पापा लोग तो गुजर गए यहाँ। अच्छा गुजर गए, साल भर हो गया। हाँ। अब मम्मी लोग ऐसे ही है, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, बहुत ऐसा होता है। हाँ। आते हैं, बहुत अच्छा लगा। दीदी लोग और भैया लोग आते ही रहते हैं। अच्छा भगवान हार लगाते हैं। तो अभी हम आ गए हैं धोनी जी के गांव और उनके घर में। ये वाला है धोनी जी का घर, महेंद्र सिंह धोनी का। जो वो वाला है वो उनके ताऊ का है और ये वाला उनका है। ये वाला है धोनी जी का घर और इसमें लगा है ताला। और यहाँ पे उनके फैमिली को उन्हें उनका आदमी है, यहीं पे है और भट वगैरह आदि हैं। और यहीं पे धोनी जी 13 साल तक तो यहाँ आते थे
अभी अम्मा बता रहे थे, जो उनकी भाभी हैं वो बता रहे थे 13 साल तक धोनी जी आते थे यहाँ, और उनका बर्पन वगैरह भी गांव में ही हुआ। तो अभी मैंने पहले तो फ्रंट साइड का दिखाया, अब बैक साइड से दिखाती हूँ। ये है बैक साइड से, और ये है ग्वार। यहाँ पे कोई कुछ लोगों ने बकरियाँ रखी है उनके ग्वार में। तो ना ये वाला घर है धोनी जी का, और अक्सर आप ब्लॉग के माध्यम से देखते हो ना, कई लोग दिखाते हैं ये वाला घर है धोनी जी का करके। ये धोनी जी का नहीं है, लेकिन धोनी जी के ना चाचा लोगों का घर है, और ये लोग भी बाहर ही रहते हैं। तो बहुत अच्छी कलाकारी इस घर में की गई है, अब तो ऐसे नक्काशी देखने को भी नहीं मिलती। और इसमें अच्छे फूल वगैरह भी खिले हैं। कोई बात नहीं, अभी मैं आई हूँ धोनी के चाचा के घर में, और बहुत ही खूबसूरत घर है। और मैं उनसे ना यही कहना चाहूंगी, आप देश रहे, परदेश रहे, विदेश रहे, लेकिन इतने प्यारे प्यारे घरों को ना ऐसे सुनसान करके ना जाए। पूरे उजड़ चुके हैं, जगह जगह से टूट फूट चुके हैं, तो इनकी मरम्मत करके भी ना देखो कितने लोग मतलब धोनी जी के प्रेरणा स्रोत हैं। वो उनको इतना प्यार करते हैं, उनके गांव में आते हैं। जो उनकी ना टूटे फूटे घर देखते हैं तो थोड़ा बुरा जैसा लगता है। हम चाहे कहीं भी रहें, हमें अपनी प्रकृति के प्रति, अपने गांव के प्रति, अपने घर के प्रति प्रेम होना चाहिए। और मेरे आप लोगों से यही प्रार्थना है कि आप लोग फिर से इस घर को संवारें, सजाएं। इतना प्यारा है देखो। तो अभी अब बहुत दूर लगभग 7-8 घंटे का सफ़र तय करके हम आ गए हैं धोनी जी के गांव में। यहाँ तक कि धोनी जी के हम घर में ही बैठे हैं, उनके चचा लोगों के घर पे आ गए। और ना धोनी जी का वो है अमरूद का पेड़, तो वहाँ से हमने तोड़े हैं अमरूद, और हम अमरूद खा रहे हैं। वाह, बहुत मीठे हुए हैं। हम यहाँ रखे धोनी जी घर के कुएं रखे हैं, तो धोनी जी घर के कुएं रखे ने ये वाले सामने हैं, और ये भी एक उनका घर है। तो पहली वो उठते हैं धोनी जी, उठते हैं। ओ यही रुचि वाली, यही रुचि का काका हूँ, मैं तो यही रुचि का अब मन है जिसे कल्याण है जी भाई। आप तो नहीं होना है, पसे पसे उन्हीं के लिए काम का भी होगी, काम का भी होगी। धोनी जी तो जब नन्न से तब आना हो तब आए। हाँ, बहुत टीवी भाई है। हाँ, जो हमारे किंग ऑफ क्रिकेट हैं उनके गांव में मैं आज आई हूँ, और उनके पड़ोसी से भी मिली, बहुत अच्छा लगा। तुम चाहते हो कभी ना धोनी जी आओ गाँव विकास से लेके आओ, कभी सोचा है ना? हैं, आज तो सोचा है नन्ना में, अगर वो ऊँचा तो और भी कहाँ से दिखी हो। तो आखिरकार लोगों का सपना हो गया है सच, और धोनी जी आ गए हैं अपने गांव में अपनी साक्षी और बच्ची को लेके। वाव, आगे आगे से धोनी जी और पीछे से पूरा गांव, और सभी ले रहे हैं सेल्फी, ग्रुप फोटो उनके पुश्तैनी घर में, और साक्षी मैडम को कर रहे हैं सब लोग बहुत ज़्यादा प्यार, और धोनी जी से भी गले मिल रहे हैं सब लोग। आखिर एक महान क्रिकेटर जो आज अपने गांव में आए हैं, तो सब में खुशी का माहौल है, और अपने चाचा के घर में खिंचवा रहे हैं फ़ोटो, और साथ में पूजा अर्चना भी कर रहे हैं मंदिर में, और सब लोग इतने खुश हैं। ये दो पलों में सारी खुशियां समेट में। तो ब्लॉग को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पे करती हूँ समाप्ति, और कल फिर से लेके आऊँगी आप लोगों को धोनी जी के गांव, और मिलवाऊँगी और भी बुज़ुर्ग लोगों से। तो आप लोग बने रहे मेरे ब्लॉग में, आने वाले ब्लॉगों में,
और यहीं पे करती हूँ ब्लॉग को समाप्ति। अगर आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें, और जो पहली बार जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करें। बाय बाय।